हाय गाइस, मैं हूं आपका आर्किटेक्ट डिजाइनर अमन मित्तल और ये मेरा आज का वीडियो। आप प्लीज एंड तक देखिए, ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है अगर आप आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइन के स्टूडेंट हैं, अगर आप या फिर कुछ डिजाइन कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं अपनी किसी ऑफिस की या किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, या आप देख रहे हैं रोहिणी में कोई बिल्डर फ्लोर, तो इस वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। ये नया प्रोजेक्ट मेरा एक बिल्डर फ्लोर प्रोजेक्ट है और इसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सेक्टर 26 रोहिणी में। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्डर फ्लोर का फ्लोर प्लान है। ये हमारा 250 गज का प्रोजेक्ट है, 200 स्क्वायर मीटर्स, और ये है सेक्टर 26 पॉकेट ए और हाउस नंबर है 289। इसमें हम एक फ्लोर पे दो फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इसमें कॉन्फ़िगरेशन है स्ट्रीट प्लस 4 फ्लोर्स की। हमारा लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं फ्लैट ए है, राइट साइड आप देख सकते हैं फ्लैट बी है। ये इक्वली डिवाइडेड हमारे फ्लैट्स हैं और बीच में आप देख सकते हैं हमने लिफ्ट स्टेयरकेस दिया है। लेफ्ट साइड एक फ्लैट की एंट्री है, राइट साइड एक फ्लैट की एंट्री है। ये दोनों फ्लैट्स हमारे 3 BHK हैं, फर्स्ट बेडरूम, सेकेंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम फॉर फ्लैट ए, एंड फर्स्ट बेडरूम, सेकेंड बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम फॉर फ्लैट बी। इन दोनों फ्लैट्स में हमारे दो दो वॉशरूम्स हैं, सॉरी 3 वॉशरूम्स हैं, फर्स्ट वॉशरूम, सेकेंड वॉशरूम, थर्ड वॉशरूम फॉर फ्लैट ए, एंड फर्स्ट वॉशरूम, सेकेंड वॉशरूम एंड थर्ड वॉशरूम फॉर फ्लैट बी। आप देख सकते हैं इसमें हमने किचन भी दी हुई है, किचन हमारी लॉबी के साथ अटैच है। दिस इज द किचन फॉर फ्लैट ए एंड दिस इज द किचन फॉर फ्लैट बी। हमारा ये प्रोजेक्ट है नेचुरली वेंटिलेटेड है, हमने बैक में दोनों फ्लैट्स के शाफ्ट का प्रोविजन दिया है। दिस इज दी शाफ्ट एंड दिस इज दी सेकेंड शाफ्ट, और ये हमारी प्राइमरी शाफ्ट्स हैं। एक सेकेंडरी शाफ्ट हमने इधर दी है फॉर फ्लैट ए, और ये एक शाफ्ट है हमारी किचन के साथ, ये भी हमने दी है फॉर फ्लैट बी। और फ्रंट से आपका सारा खुला है, आपकी बैल्कनी है। आप देख सकते हैं हमारे साइजेस काफी कंफर्टेबल हैं। अगर आप रोहिणी में कोई बिल्डर फ्लोर परचेज करना चाहते हैं 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन, तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये हमारा सेक्टर 26 एक अपकमिंग डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट सोसाइटी है, आपको ये सोसाइटी जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो ये रहा हमारा सारा फ्लोर प्लान, सारी प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट का एलिवेशन, फ्रंट फसाड। गाइस, ये फ्रंट फसाड है हमारे इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं दोनों फ्लैट्स का बीच में सेंटर डिवीजन है। लेफ्ट साइड हमारे 4 फ्लैट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 फ्लोर्स पे, और ऐसे ही राइट साइड पे फ्लैट्स हैं। हमने एलिवेशन काफी स्लीक और मॉडर्न रखी है आज के टाइम के हिसाब से। हमने प्राइमरीली 3 कलर्स का यूज करा है, एक वुडन है, एक ये फ्रंट में डार्क ग्रे है, और अंदर वही वॉल्स पे हमने लाइट ग्रे यूज करा है विद ग्रूव्स। हमारी सारी विंडोज वुडन विंडोज हैं, वुडन डोर्स हैं, और ऐसे ही अगर आप पार्किंग में देखेंगे तो हमने 2 गेट्स का प्रोविजन दिया है। फ्रंट पे हमने डिजाइनर लाइट्स भी दी हैं, लेफ्ट और राइट आप देख सकते हैं, हमने अप डाउन लाइट्स का प्रोविजन दिया है। ये एलिवेशन काफी स्लीक है, काफी मॉडर्न है। तो गाइस, ये मैंने आपको आज एक प्रोजेक्ट की केस स्टडी दी, अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया, उसका आपको फ्लोर प्लान एक्सप्लेन करा, उसकी आपको एलिवेशन भी दिखाई, उसके बारे में बताया। ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।